नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहन और ये हैं मैं हूँ वेदिका। और आज हम मूवी रिव्यू करने वाले आज हम चल चित्रपट समीक्षा करेंगे मूवी हिंदी मीडियम की स्टारिंग द वेरी टैलेंटेड द वेरी फेमस इरफान खान। वैसे तो बेहतरीन अभिनेता इरफान खान भी कह सकती थी। जो आ गया गुरुजी, बेहतरीन अभिनेता इरफान खान और पाकिस्तान की लेटेस्ट बॉलीवुड इम्पोर्ट सबा कमर। तो हिंदी मीडियम कहानी है चांदनी चौक के फैशन टाइकून राज बत्रा की, जिनकी वाइफ प्यारी सी वाइफ है मीता और प्यारी सी बेटी है पिया। और जो राज बत्रा खुद हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल पास आउट है, जिनकी इंग्लिश में हाथ थोड़ा ढीला है, बट इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिल्ली। इनके कहने का मतलब है वो दिल्ली वाले हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो उनकी बेहतरीन आदी यानी बेटर हाफ, मुझे पता था कि तुम्हें नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूँ, उनकी बेटर हाफ यानी कि उनकी बीवी मीता उर्फ मिट्ठू को काफ़ी फर्क पड़ता है इस बात से। वो चाहती हैं कि उनकी बेटी पिया जो है वो दिल्ली के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़े और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और यू नो इस स्कूल में एडमिशन यानी दाखिले करवाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसी से वहीं से उनकी असल जंग शुरू होती है। इरफान खान को भाई साहब मेरा सच्चा नमन, मतलब क्या अभिनय किया है, क्या एक्टिंग की है इरफान खान ने। जिस तरीके से चांदनी चौक का लहजा पकड़ा ना, कुछ वक्त के बाद में आपको लगेगा ही नहीं कि आप पर्दे पे इरफान खान को देख लें। मतलब वो राज के दुख दर्द तकलीफों के इस तरीके से आपको एहसास कराते हैं दैट आपको एक्चुअली लगेगा कि आप उनके सफ़र में जो है उनके साथ हैं। और ख़ास करके वो वाला जो सीन है जहाँ पे वो यू नो मीता की ज़िद पे अपना चांदनी चौक वाला घर छोड़ के जाते हैं, बिल्कुल दुल्हन की विदाई वाले सीन आ गए। ये पहला मौका है शायद या वन ऑफ दोज रेयर मौकाज है जहाँ पे इरफान खान को अपनी कॉमेडी दिखाने का मौका मिला। एंड फ्रैंकली इरफान खान ने इस फिल्म की एंटरटेनमेंट वैल्यू कई गुना बढ़ाई है। और अब बात करते हैं सबा कमर की। मायरा खान के बाद ये अगली ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिनकी ये पहली बॉलीवुड फिल्म है एंड शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। आई मीन इरफान खान के साथ में स्क्रीन शेयर करना और फिर भी अपनी छाप छोड़ देना ये आसान काम तो नहीं है। और उन्होंने अपने मीता का किरदार इतनी बखूबी तरह से निभाया है, मतलब काफी रिलेटेबल है, है ना। रिलेटेबल का हिंदी ऑब्वियसली इन्हें पता नहीं होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। खास जिक्र स्पेशल मेंशन होना चाहिए दीपक डोबरियाल के लिए, जिन्होंने भारत नगर के गरीब मजदूर श्याम का किरदार निभाया। ओ हो, मतलब क्या भाई साहब, क्या अभिनय है, क्या एक्टिंग है। कुछ सीन्स तो उनके बहुत ही ज्यादा भावुक कर देने वाले, इमोशनल इज व्हाट आई मीन, गो ऑन। पता है अब देखो भाई, किसी महान इंसान ने कहा है दैट अ फिल्म इज एज गुड एज इट्स स्क्रीन प्ले। हिंदी मीडियम के केस में इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है। मतलब फर्स्ट हाफ में तो फिल्म एकदम राजधानी की स्पीड से फटाफट भागती है और एजुकेशन सिस्टम की जितनी प्रॉब्लम्स हैं बातें वो हमें बड़े फनी तरीके से बताती है। लेकिन स्क्रीन प्ले स्लो होता है कहाँ, सेकेंड हाफ में जब मीता और राज यानी इरफान और सबा शिफ्ट होते हैं भारत नगर गरीब होने का नाटक करने। वहाँ पर कुछ सीन्स रेपिटेटिव लगते हैं बट फ्रेंकली दे आर स्टिल एंटरटेनिंग एंड भावुक यानी कि इमोशनल। हालांकि फिल्म 2 घंटे 13 मिनट लंबी है लेकिन सेकेंड हाफ में कहीं कहीं हमें लगता है कि फिल्म थोड़ा सा खिंच रही है। वहां पे अगर थोड़ा कट मार देते तो अच्छा रहता नहीं। डायरेक्टर साकेत चौधरी, जिनकी पिछली पिक्चर थी शादी के साइड इफेक्ट, जिसके साइड इफेक्ट्स के बारे में ना ही बात करें तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने क्या वापसी की है हिंदी मीडियम के साथ। मतलब देखिए, दिल्ली की गलियों से लेके हाईवेज तक, चांदनी चौक के यू नो वो माहौल से लेके डेली वसंत विहार के पॉश बिहेवियर तक, उन्हें सब कुछ, मतलब उन्होंने सब कुछ जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है, है ना। तो हिंदी मीडियम अगर एक आंसर शीट होती तो हम 100 में से कितने अंक देते? 75 मार्क्स। क्या बात है, मतलब फर्स्ट क्लास से भी फर्स्ट क्लास, इतने मेरे मार्क्स आ गए होते ना 10 12th में तो मेरे मम्मी पापा बड़े खुश होते। वैसे कैसी है ना, शो ऑफ कहीं की। खैर चलते चलते तुमसे एक सवाल, बॉलीवुड बबल का हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता? मैं बताऊं? या हिंदी चलचित्रपट उद्योग बुलबुला। वेदिका बेटा, दिस साउंड्स हॉरिबली मिडिल क्लास, ओके सॉरी आई एम अफेक्टेड बाय सारा भाई, बट या बॉलीवुड बबल साउंड्स मच बेटर। सो ये था हमारा रिव्यू ऑन हिंदी मीडियम। आपको फिल्म कैसी लगी, रिव्यू कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा। इतनी अच्छी लड़की है, हाय हेलो के अलावा भी कुछ बोल दिया करो। बाय बाय।